हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे की क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहले मैं ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस की डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो इस्तेमाल होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बार्कले एंड हार्टले मेथड, ये सारा मैं आपको पिछले लेक्चर्स में करा चुका हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सॉल्यूशन चैप्टर में देख सकते हैं, और मैं आई बटन पे भी और एंड स्क्रीन पे भी आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस टॉपिक में कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमें फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पाई इक्वल टू सी आर टी। कोई भी न्यूमेरिकल करने हैं स्टूडेंट तो हमें बेसिक कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या है। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या है? कंसंट्रेशन, किसमें? मोलारिटी। आर क्या है? आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट, जो हम अलग अलग वैल्यू लेते हैं 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ऐसा ही अकॉर्डिंग मैंने गलत ढंग से लिखा है, कभी भी दो स्लैश नहीं आते हैं, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। हमेशा आपने कैसे लिखना है? ऐसे। अगर कभी लगता है आपको दो स्लैश आ रहे हैं तो आप कभी भी ऐसा ही अकॉर्डिंग आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू ये होगी, या फिर हम 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट पुट करेंगे। पास्कल में अलग है, पास्कल की बात कर लें तो 8.314 इंटू 10³ पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। इसी तरह कैलोरी में भी इस्तेमाल करते हैं, मगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर में इतना ज्यादा आता नहीं, 1.9 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। और अगर जूल में आ जाए कभी तो आप क्या करेंगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो हम अलग अलग के लिए अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका प्रेशर एटमोस्फेयर में है तब आप ये करेंगे, बार में है ये, और पास्कल में है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। टी हमारा टेम्परेचर है जो कि केल्विन में होता है। अब जब हम कंसंट्रेशन का हमें पता है फार्मूला, और क्या होता है, पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। अब एन क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और वी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा याद रखना स्टूडेंट किसमें होगा, लीटर में, क्योंकि हमारे जितने भी आर की वैल्यू सब में लीटर है, तो वॉल्यूम हमेशा याद रखना लीटर में होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स को जब हम खोलते हैं तो हमारा फार्मूला थोड़ा और चेंज हो जाता है, क्या, पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर टी अपॉन बी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि बी, और कई बार कई बुक्स में लिखा होता है टू, डब्ल्यू टू अपॉन एम टू ऐसे लिखा होता है, और वन, और वन इस्तेमाल होता है सोलवेंट के लिए, ए इस्तेमाल होता है सोलवेंट के लिए, टू और बी इस्तेमाल होता है सोल्यूट के लिए। तो जनरली हम सोल्यूट के लिए बी इस्तेमाल करते हैं। तो डब्ल्यू बी क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट, ये किसमें होगा, ग्राम में। एम क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, किसमें होगा, ग्राम पर मोल में। यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सीबीएसई में बेसिकली ये ध्यान दिया जाता है कि यूनिट्स आप मेंशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर अगर पाई पाई हमें पता है क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बेसिक फार्मूले आपको इस्तेमाल होना चाहिए। एक फार्मूला और हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर के लिए, आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, पी इक्वल टू रो जी एच। और जब प्रेशर नॉर्मली हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की, प्लस वन में अगर आप बात करें तो पी इक्वल टू रो जी एच बोलते हैं। रो क्या है? यहाँ पे डेंसिटी। अब डेंसिटी या मर्करी की भी हो सकती है, यहाँ पे हम सोल्यूशन ले रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी हो सकता है। जी क्या है स्टूडेंट? जी है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एच क्या हमारा, हाइट ऑफ द कोलम। तो हमें बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे, पाई क्या है, रो क्या है, जी क्या है, एच है। इसी तरह अगर हमें मोलिकुलर वेट निकालना है, मोलिकुलर वेट ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन पाई। और इसमें हम एक बेसिक टर्म इस्तेमाल करते, बार बार आप न्यूमेरिकल में देखेंगे, आइसोटोनिक, कि कई बार आ जाएगा आइसोटोनिक है तो क्या होगा। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आपका सेम है। तो अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन दे रहे हैं, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हुआ तो आइसोटोनिक वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। इन बेसिक टर्म का इस्तेमाल करके मैं इन न्यूमेरिकल्स को फटाफट सोल्व करते हैं। तो वन बाय वन का एक छोटा सा पॉइंट स्टूडेंट और आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट न्यूमेरिकल में गिवन है,
जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो फार्मूले में हमारे पास रैंक ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है पाई इक्वल टू आई सी आर डी। आई के बारे में किसी बच्चे को कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो बेटा वो वीडियो मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल नॉलेज दे रखी है रैंक ऑफ फैक्टर किसी भी कंडीशन में। अब हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम में जब आएंगे, तो वन बाय वन मैं काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल, और हर एक न्यूमेरिकल मैंने जो यहाँ पे सिलेक्ट किए स्टूडेंट, हर एक में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, तो इसलिए एंड तक आप सब बच्चे अटैच हैं। सबसे पहले बात है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, जो जो कहा जा रहा है वो लिखते जाइए, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई मुझे निकालना है ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए केन शुगर एट 300 केल्विन, टेम्परेचर आपको दे दिया 300 केल्विन, आर की वैल्यू आपको गिवन है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर हो। जब आर की वैल्यू गिवन हो तो याद रखना प्रेशर उसी सेंस में निकलेगा जो आपको गिवन है यहाँ पे एटमोस्फेयर, तो प्रेशर आपके एटमोस्फेयर में आएगा। हमें पता है पाई इक्वल टू में अभी फॉर्मूले याद करवाए मैंने सी आर डी, तो कंसंट्रेशन हमें पता है 0.01, आर की वैल्यू 0.0821 और एटमोस्फेयर और टेम्परेचर क्या दिया है 300 केल्विन। अब इन सबको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो हमें पता है ये आपस में तीन दे, तो ये क्या आएगा 3642 यानी 0.2463 एटमोस्फेयर आपका क्या आ गया प्रेशर आ गया, ठीक है ना। 1/100 कर देंगे, दो जीरो कर देंगे, तीन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.463 एटमोस्फेयर आपका क्या आ गया स्टूडेंट प्रेशर आ गया। अब हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ द कोलम, तो उसके लिए फार्मूला मैंने अभी बताया था पाई क्या होता है रो जी एच, ये भी हमने फार्मूला डिस्कस किया है, तो हमें एच निकालना है, तो एच क्या होगा पाई अपॉन रो जी। अब इनकी वैल्यू पुट कर जाते हैं, बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, जितने भी न्यूमेरिकल करा रहा हूं सब में बस खास चीज यही है कि हमें यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो हमें हाइट निकालनी है वो मीटर में निकालनी है, आर की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे आर की जरूरत है नहीं हमें, डेंसिटी जो गिवन है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वर्टिकल कोलम डेवलप्ड, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी हमें गिवन है, मीटर में आंसर आ रहा है, यानी SI यूनिट का हम क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे, तो पाई की वैल्यू क्या है एटमोस्फेयर में। अब SI यूनिट में याद रखना स्टूडेंट प्रेशर जो होता है वो किसमें होता है पास्कल में, बस इसमें क्या खास बात यही है, तो जो पाई की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो क्या आएगी 0.2463 इंटू 1.01310^5 पास्कल। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर ये कैसे आया, तो वो कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ, आपको छोटी सी टेक्निक याद करनी है, आपने ले लिया बस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लिख लिया आपने, तो अभी मैं आपको रूल बता रहा हूँ ध्यान रखिए, ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखिए कि 1 एटमोस्फेयर जो होता है स्टूडेंट वो 760 mm मर्करी के इक्वल होता है, 760 टोर होता है, 76 सेंटीमीटर होता है, 1.01310^5 पास्कल होता है और 1.013 bar होता है, और 1 bar जो होता है आपका 10^5 पास्कल होता है, और अगर एटमोस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो 1 bar होता है 0.987 एटमोस्फेयर। तो ये इंटर कन्वर्जन है कैसे प्रेशर्स के एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर मुझे जाना है। अब मुझे पता है एटमॉस्फेयर क्या होता है इतने पास्कल होता है, तो हमारे पास इतने एटमॉस्फेयर है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.013 10^5 पास्कल, तो ये मेरे पास प्रेशर आ गया, पाई की वैल्यू आ गई, तो पुट कर दीजिए 0.2463 इंटू 1.013 10^5 अपॉन रो, रो क्या है हमारा डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है 1 ग्राम पर ml, फिर आपको यूनिट कन्वर्जन सीखना पड़ेगा, मैं इसे रख कर रहा हूं यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या है SI यूनिट में बात करें तो किलोग्राम मीटर क्यूब होना चाहिए, 1 ml याद रखिए स्टूडेंट किसके इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो हमें जो डेंसिटी गिवन है स्टूडेंट वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10^-3 किलोग्राम। अब सेंटीमीटर है, सेंटी का मतलब होता है 10^-2 मीटर, क्यूब है तो इस होल का क्यूब होगा, ऐसा यूनिट ध्यान रखना स्टूडेंट। कई बच्चे क्या करते हैं सेंटी के 10^-2 और मीटर क्यूब कर देते हैं, टोटली रॉन्ग, पूरे का क्यूब होगा। तो ये हो जाएगा 10^-3 अपॉन 10^-6, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10^3, तो ये 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू पुट करेंगे डेंसिटी की वो क्या पुट करेंगे 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब क्या आ गया जी, जी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फिक्स वैल्यू है तो यहाँ पे हम डाल देंगे 9.81 और ये पूरा सोल्व करो स्टूडेंट तो आपका आ जाएगा 2.54 मीटर। तो बड़े आराम से आपने न्यूमेरिकल को सोल्व कर लिया। तो मेरा कहने का जो मकसद है स्टूडेंट वो समझने की कोशिश करिए कि हर एक न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट क्या है यूनिट कन्वर्जन, यानी जो कन्वर्जन कर रहे हो यूनिट को वन फॉर्म टू अनदर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल स्टूडेंट, तो सेकंड न्यूमेरिकल को देखें तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, एक एक चीज पढ़ते जाएंगे और फिर हम लिखते जाएंगे। क्या है 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो वॉल्यूम है आपको गिवन है वो 200 ml है, ml लिख लो या सेंटीमीटर क्यूब कर लो, ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन 1.26 ग्राम। तो जो स्मॉल अमाउंट में होता है वो आपको पता है क्या होता है सोल्यूट, तो वेट ऑफ सोल्यूट है। ऑफ प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर गिवन है आपको किसमें, साइड वैल्यू क्या गिवन है 2.57 10^-3 bar एट 300 केल्विन, टेम्परेचर 300 केल्विन, आर की वैल्यू हम खुद पुट करेंगे। अब बार में है तो ध्यान रखिए 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अब आपके पास सारा जो डाटा नहीं है स्टूडेंट, निकालना क्या है मोलिकुलर मास, मोलर मास निकाल रहे हैं तो एम बी क्या होगा आप सबको पता है डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई। अब सब कुछ गिवन है, डब्ल्यू बी 1.26, 0.083, टेम्परेचर कितना है 300, पाई की वैल्यू 2.57 10^-3 और वॉल्यूम कितना है 200 ml। अब यहां पर कितना पड़ेगा क्योंकि हमारा यहाँ लीटर है तो 200/1000 liter यानी 0.2 liter। अब ये स्टूडेंट आप फटाफट इसको सोल्व कर लेना, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 61039 ग्राम पर। इन वीडियोस को बनाने के पीछे मकसद केवल टेक्निक सिखाना है, कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे इतना मुझे पूरा विश्वास है। अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं एक आधा न्यूमेरिकल आपको कैसे क्विक कैलकुलेशन करते हैं उसके ऊपर ही बना दूंगा। यहां तक क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए थर्ड न्यूमेरिकल जो है वो हमारा है 4% सुक्रोज इज आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक वर्ड आते ही मेरे दिमाग में आ गया यार पाई वन इक्वल टू क्या होता है पाई टू, जब भी आइसोटोनिक ऊपर न्यूमेरिकल आए वो सर्ट फिक्स है पाई वन इक्वल टू पाई टू। अब इसका क्या मतलब हो गया C1RT इक्वल टू C2RT क्योंकि टेम्परेचर और आर की वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट वो कैंसिल हो जाएंगे। अब C1 क्या होता है N1/V इक्वल टू N2/V। आप कहेंगे सर N1/V1 N2/V2 क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है परसेंटेज दो चीजें दी हुई है 4% सुक्रोज गिवन है 3% अननोन सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, तो दोनों परसेंटेज में गिवन है यानी वॉल्यूम सेम होगा ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब पहला जो कंपोनेंट है वो आपको दिया है 4% सुक्रोज, दूसरा आपको दिया है 3% अननोन सब्सटेंस है ऑर्गेनिक हमें नहीं पता उसका मोलिकुलर मास हमें क्या है कैलकुलेट करना है, जो भी परसेंटेज दी होती है वही वेट होता है। तो वेट क्या होता है 4, सुक्रोज का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है C12H22O11। तो इसका जो मोलिकुलर वेट आता है स्टूडेंट 342, याद रखना चाहिए आपको, एग्जाम में बैठ के हम कैलकुलेट नहीं करेंगे इसको मेमोराइज करके 342। वेट ऑफ सोल्यूट की बात करें 3, मोलिकुलर वेट M2।
तो यहां से स्टूडेंट जब आप एम टू कैलकुलेट करेंगे 3 × 3 = 42/4 तो आपका 256.5 ग्राम पर मोल। बिल्कुल सिंपल, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि आपको दिक्कत आएगी, बड़े आराम से आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो ये हमने 3 न्यूमेरिकल कंप्लीट किए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल चलते हैं। हर एक न्यूमेरिकल में स्टूडेंट आपको टेक्निक सीखने को कुछ ना कुछ मिल रही है कि हाँ हमें ये पॉइंट सीखने वाला है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या सीखने को, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं न्यूमेरिकल कहता हूँ, सीबीएसई 2011 में ये न्यूमेरिकल आ चुका है। मैक्सिमम बच्चों ने गलती की थी, क्यों की थी, वो न्यूमेरिकल करने के बाद आपको समझ आ जाएगा। चलिए देखिए क्या क्या लिखा है। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट 8.95 मिलीग्राम ऑफ ए जीन फ्रेगमेंट इन 350 ml, वॉल्यूम गिवन है 350 ml, हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई की वैल्यू गिवन है 0.335, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर मास, एमबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आर की वैल्यू गिवन नहीं, हम खुद लेंगे 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अब कई स्टूडेंट कहेगा सर क्या मैं 0.83 ले सकता था, यस ले सकते हैं, आपका आंसर बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखना पड़ेगा अगर एमसीक्यू है तो आपके आंसर बाद में है या एटमोस्फेयर में, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी वैल्यू लेनी पड़ती है। ये सारी बातें आपने पुट करनी, एमबी निकालना है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सब कुछ तो गिवन है, डायरेक्ट डाटा पुट कर देगा, फार्मूला में पता है एमबी क्या होता है, WbRT/π, तो सब कुछ जब दिख रहा था स्टूडेंट क्या करता है जल्दी बाजी में इसको पुट कर देता है और न्यूमेरिकल टोटली रॉन्ग हो जाता है। क्या ध्यान देना है, यूनिट्स, फिर घूम फिर के वही बात है। अब 8.95 है, मिलीग्राम है, मिली का मतलब क्या होता है 10^-3 ग्राम, तो ये ग्राम में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए 350/1000 लीटर, प्रेशर हमने एटमोस्फेयर में लिया तो टोर है, एटमोस्फेयर में होना चाहिए, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1 एटमोस्फेयर जो होता है वो 760 टोर होता है, तो स्टूडेंट 1 टोर क्या हो जाएगा 1/760 एटमोस्फेयर, तो यहां हमने क्या कर दिया 0.335/760 एटमोस्फेयर, क्लियर। अब टेम्परेचर की बात करें 25 है, केल्विन में होना चाहिए, तो 298 कैसे आया 273, हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो बस मोलिकुलर मास निकाला। अब अगर आप ये सारा डाटा यहाँ पे पुट करते हैं स्टूडेंट तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा जो आपको यहाँ पे मेंशन है 1419 3.3 ग्राम पर मोल, आपका क्या आएगा आंसर आएगा। तो बड़े आराम से आप इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आए। अगला जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का है, अपने आप में डिफरेंट न्यूमेरिकल है, अगर किसी बच्चे ने इसे पहले नहीं कर रखा तो मैं कहता हूं कि जनरली उसका एग्जाम में न्यूमेरिकल गलत ही होगा, वजह क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में खास बात है, देखिए वो कह रहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, ये खास बात है क्यों, पास्कल में आपको डाटा दे रहा है, पास्कल में याद रखना आर की वैल्यू मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई थी क्या 8.314 × 10³ पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, तो आपको ये पॉइंट अगर याद है तभी आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और एक तरीका और भी है, आप एटमोस्फेयर में आंसर निकाल लीजिए बाद में इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत छोटी सी मिस्टेक करके न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है 1 ग्राम, पाई आपको निकालना है, पॉलीमर ऑफ मोलर मास मोलिकुलर मास दे रखा है आपको 185000 और वॉल्यूम दे रखा है आपको 450 ml, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 450/1000 लीटर, टेम्परेचर 37 डिग्री, एक भी यूनिट कन्वर्जन अगर आप भूल गए तो आपके न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा स्टूडेंट गलत हो जाएगा, यही चीज आपको समझनी है। केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है, कैसे कन्वर्ट करेंगे आप सबको पता है 273 हम क्या कर देंगे एड कर देंगे, तो बड़े आराम से आप ये बातें कर सकते हैं। बाकी अब डाटा फार्मूला हम कई बार कर चुके हैं, बस उसमें आप ये सारा डाटा पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू ध्यान रखना आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट न्यूमेरिकल है, अपने आप में हट के है। अभी तक हमने जितने न्यूमेरिकल स्टूडेंट किए हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं आया। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे KCl, KNO3, ठीक है ना, पोटेशियम सल्फेट,
जो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। तो अभी तक हमने सारे जितने मेडिकल के नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखे हैं, वहां पे के शुगर वर्ड इस्तेमाल किया हमने, नॉन इलेक्ट्रोलाइट प्रोटीन वर्ड इस्तेमाल किया जो आयंस में निकलते हैं। मगर अगर आपके न्यूमेरिकल में याद रखना इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस हो जाए, जैसे यहाँ पोटेशियम सल्फेट है, तो न्यूमेरिकल पूरा चेंज हो जाता है। क्यों? पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट डालते ही आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है उस मल्टी प्रेशर का, पाई इक्वल टू आई डब्ल्यू बी आर टी अपॉन मोलिकुलर रेट इंटू वी। अब आई इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं वेंटो फैक्टर। अब आप कहेंगे सर ये वेंटो फैक्टर क्या है स्टूडेंट, काफी लंबा चौड़ा लेक्चर है इसके ऊपर, जो मैं वीडियो बना चुका हूं सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में जाके आप वेंटो फैक्टर कंप्लीट वीडियो इसकी देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। मैं शॉर्टकट टेक्निक न्यूमेरिकल की बता रहा हूं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, इस न्यूमेरिकल में एक लाइन मिसिंग है जो मैं नहीं लिख पाया जगह कम होने की वजह से, क्या है किट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। अगर आपके न्यूमेरिकल में आ रहा है कि दिस कंपाउंड इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड या 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो उस केस में वेंटो फैक्टर की वैल्यू बिल्कुल सिंपल हो जाती है। कैसे निकालते हैं? जितने वो आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, जैसे पोटेशियम सल्फेट है, इसको अगर हम डिसोसिएट करें तो ये 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है? 3। कितने आयन बन गए? 3। तो वही वेंटो फैक्टर हो जाएगा। तो आई की वैल्यू आपको पता चल गया 3 इंटू वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट 25 मिलीग्राम है स्टूडेंट। तो मिली को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10^-3 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है 298 केल्विन। मोलिकुलर वेट जब हम पोटेशियम सल्फेट का पुट करेंगे, पोटेशियम 39, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, जब हम ये सारा पुट करेंगे स्टूडेंट को 174 आ जाएगा, 174 आपका पोटेशियम सल्फेट का मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना देखा है 2 लीटर 2। बस बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते ही आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाए 5.27 × 10^-3 एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट आपने देखा बड़े इजीली वे में अगर हमें यूनिट्स के बारे में अच्छी नॉलेज है तो हम आराम से ऑस्मोटिक प्रेशर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए या कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अच्छी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, जो न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी टाइप की मोर इन्फॉर्मेटिव केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक है आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।